नमस्कार दोस्तों, हेलो किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए क्रिस्पी ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी लेके आए हैं जो काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें भरने के लिए इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। अब आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। आधा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच जीरा, आधे चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, एक से डेढ़ चम्मच शुगर, आधा चम्मच काली मिर्च, आधे चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच राई और तलने के लिए तेल और चार से छः उबले हुए आलू। अब हम हरे धनिए की चटनी बनाएंगे। इसमें हम हरी मिर्ची, नींबू का रस, काला नमक, हरा धनिया, इन सबको मिला के चटनी बनाएंगे। इस चटनी का प्रयोग हम इसकी स्टफिंग के लिए भी करेंगे और इसको सर्व करते समय भी करेंगे। देखिए हमारी हरी चटनी तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा एक से डेढ़ चम्मच, छोटी चम्मच। तेल गर्म होने पे इसमें राई डालेंगे, राई के बाद जीरा आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और हमने जो चटनी तैयार की थी अब इसे हम तेल में डालेंगे। अच्छी तरह से मिलाते हुए इसको भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, काली मिर्ची, अमचूर पाउडर, शुगर, मैश किए हुए आलू, सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी चटनी से हमारे मसाले में एक अलग ही हरा कलर आएगा। नमक स्वाद अनुसार, इस मसाले का प्रयोग हम दूसरी रेसिपीज में भी कर सकते हैं, ये स्वाद में काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे। अब इस मसाले को हम ब्रेड स्लाइस के अंदर स्टफ करेंगे। इसके लिए हम एक ब्रेड की स्लाइस को लेंगे, इसकी चारों तरफ की किनारी को कट करते हुए निकाल देंगे। चारों किनारी निकल जाने के बाद हम इस ब्रेड को पानी की मदद से गीला करेंगे और ये पानी बीच में ना डालते हुए चारों किनारी की तरफ डालेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। हल्का सा इसको हम बेलेंगे। हल्का सा बेलने के बाद हम इसमें आलू का मसाला भरेंगे। मसाला भरने के बाद हम इसको इस तरीके से हाथ पे रखकर फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसका एक रोल तैयार करेंगे। कहीं पर अगर सूखा है तो थोड़े पानी का और इस्तेमाल कर सकते हैं। दबाते हुए देखिए हमारा रोल तैयार है। इसी तरह से दूसरी स्लाइस में हम मसाला भर के अपना दूसरा रोल तैयार कर सकते हैं। इस तरह हमारे दोनों रोल तैयार हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, आधी कढ़ाई भर तेल भरेंगे,
तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर आँच को मध्य करते हुए हमारे रोज़ को तलने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। धीरे धीरे पलटते हुए इनको हम सेकेंगे। जब ये सुनहरे होने लग जाए तो इसको दूसरी तरफ से पलटेंगे। देखिए हमारे रोल्स का कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह हमारे ब्रेड रोल तैयार हैं। ये ब्रेड रोल काफ़ी क्रिस्पी होते हैं। आप इन्हें नाश्ते में या शाम के नाश्ते में या त्यौहार के मौसम में अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद आने वाली चीज़ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पहली वीडियो देखना ना भूलिए।